देखो आप जो समझ रहे होंगे है ना, वो आप शुरू से हैं ही, है ना। 41 40 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम ज्वाइन करते हैं, और जैसे जैसे टाइम डिक्रीज करते हैं, अगेन मैं सेंड कर दूंगा अटेंडेंस को, है ना। तो आप ये समझने की कोशिश करें, जो आप जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, अब देखिए टेक्निकल एरर हो सकता है। कोई बच्चा ये सोचे कि हम YouTube देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, टेक्निकल एरर क्या है कि इतनी टाइम लैप्स कर गया। और क्लासेज जो होती है वह इंट्रैक्शन होती है, दो बच्चों और इस टीचर के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, कुछ बातचीत हुआ, उसमें कभी डांट फटकार भी हुआ, कभी कुछ है ना क्वेश्चन भी अराइज हुआ। तो इंट्रैक्शन क्लासेज होती है, ये नहीं है कि पढ़ाते चलो, लेक्चर देते चलो, है ना। तो ज्वाइन करना जरूरी होता है, मैं राइट? यस सर, मैं यस तो सर। आपको, क्योंकि टेक्निकल इशू हो सकते हैं, यानी कभी ज्वाइन होगा कभी लीव होगा, तो आपने जो है एक्टिविटी 1 प्लास्टिक कॉम के बारे में, वेरी वेरी फेमस है, नॉन फिगर है, आप खुद से भी कर सकते हो, यानी कि एक कॉम जो घर में यूज होता है कॉम, या आप जो पेन यूज करते होंगे वो मोस्टली प्लास्टिक का ही पेन होता है, जो लिखो फेको वाला होता है वो मोस्टली उसमें भी ये क्वालिटी होती है। आप ड्राई हेयर यानी तेल लगा हुआ रहेगा तो थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा, ड्राई रहेगा तो ज़्यादा उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्राई हेयर को आप प्लास्टिक कॉम से रब रख के तो उसपे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, उसमें ये गुण आ गया कि वह पेपर ऑफ पीसेज को वह अट्रैक्ट कर लेता है। मैं राइट? तो यानी यहाँ पे एक यस सर, चार्ज बनी है और एक अनचार्ज। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब भी हम फ्रिक्शन करेंगे तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, जिसके साथ रब कर रहे हैं या जिसको रब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक कॉम को रब किया किसके साथ? ड्राई हेयर के साथ। तो ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम दोनों जो है वो उसमें ये क्वालिटी क्रिएट हो जाएगा, यानी एक बॉडी चार्ज बॉडी हो, दोनों चार्ज बॉडी हो जाएंगे, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा तो एक पर निगेटिव चार्ज। फर्क यही है कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वह इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे वह पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना। तो और कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपको जब ऐसा रहेगा तो वो न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है, और जब आपको अनबैलेंस यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, मेजोरिटी जिसकी होगी वह चार्ज वाले हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी तो निगेटिव चार्ज हो गए, और प्रोटॉन की मेजोरिटी हो गई तो वह क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाली हो गया। क्लियर? तो आप एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 आप देख रहे होंगे, है ना। और दोनों में आप ये दर्शा रहा है कि अगर हम मेटल कॉम्ब को, प्लास्टिक कॉम्ब क्या था, बैड कंडक्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में, और आपने जो देखा कि मेटल कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर से रब करते हैं, है ना, तो उसपे चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज बॉडी नहीं बनते हैं, है ना। जो आपको ये चार्ट में दिखाया है
प्लास्टिक कौन नॉन मेटेलिक है, तो उसमें क्या हो गया, जब हम फ्रिक्शन से उसको चार्ज अप किया तो चार्ज हो गया, ठीक है, उसको ड्रायर से रब किया सर वही देखिए चीज, सर, ठीक मैं है, तो गर्शाला सर। रब किया ड्रायर से, है ना, चीज वही है, केवल मैंने कॉम दोनों है, लेकिन फर्क क्या है, एक प्लास्टिक कॉम है और एक मेटल कॉम है, प्लास्टिक कॉम चार्ज अप हो गया और मेटल कॉम जो है वह चार्ज अप नहीं हुआ, है ना, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है ना प्लास्टिक का होता है तो वह चार्ज अप हो जाएगा, वही एबोनाइट रॉड वो भी चार्ज अप हो जाएगा, ग्लास रॉड वो भी चार्ज अप हो जाएगा, लेकिन मेटेलिक पेन है, मेटेलिक पेन को रब किया गया वो चार्ज अप नहीं हुआ, कंक्लूजन यही आया है ना, जो आपको शुरू में ही बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है चार्ज डेवलप होता है बैड कंडक्टर पर, और वही करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज डेवलप होता है वह आपको गुड कंडक्टर पर मेटल पर करेगा, मेटल जो है वो जो हमारे घर में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सबके घर में, हमारे ही नहीं सबके घर में, तो उसमें देखते होंगे मेटल के थ्रू आ रहा है, वहाँ पर जो प्लास्टिक लगाया गया वो बैड कंडक्टर के रूप में, उसको आप छेड़छाड़ करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हम प्लास्टिक का चप्पल पहन ले, है ना, ताकि हमें शॉक्स नहीं लगे, इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगे, है ना, तो ये दोनों में फर्क, और ये आपको चार्ट भी बना के दिखा दिया है ना, चार्ट्स में भी यही कंक्लूजन आता है कि मेटेलिक कॉम और प्लास्टिक कॉम, मेटेलिक पेन प्लास्टिक पेन अगर दोनों को रब कराया जाए तो किसमें कौन सी चार्ट डेवलप करेंगे, किसमें चार्ट डेवलप करेगा किसमें नहीं करेगा, एम आई राइट, यस सर, सर शिवम स्वराज, देखो ये दो दो आईडी से ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने में लगे हुए रहते हैं, है ना, कि कैसे रीनेम मिस्टेक हो जाए, किस तरह से रीनेम ऑप्शन आ जाए कि हम नाम बदल के और कुछ अलग तरह की हरकत करें, ये संस्कार अपने आप में क्रिएट होना चाहिए, तुम्हें डिस्टर्ब करने से कोई फायदा है ना, शिवम स्वराज दो दो आईडी अभी देख रहे हैं ज्वाइन कर रहा है अभी लास्ट मोमेंट में, है ना, इससे बच्चे समझ कैसे पाएंगे, है ना, तो ये साइंस है, साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स है, उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डिसिप्लिन बनाता है, साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट डिसिप्लिन होते हैं, इनडिसिप्लिन नहीं होते हैं, है ना, तो डिसिप्लिन बनने की कोशिश करो, है ना, आपको रीनेम ऑप्शन या किसी तरह के लीक देने से, है ना, एब्यूजिंग वर्ड यूज कर देने से किसी को छेद नहीं हो जाएगा, है ना, किसी की वाह रियलिटी नहीं ना है जी, वो क्या है, इमेजिनेशन है, रियलिटी और साइंस क्या है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो रियलिटी तो तुमको मिला नहीं, बिल्कुल में बदनामी हुई, लोगों का इमेज खराब हुआ, तो इस बात को गौर करना चाहिए, है ना, कि हमें नाम बदल के क्या फायदा मिलने वाला है ना, हमें कोई तरह का चैटिंग गलत चैटिंग करें जिसके कारण दूसरे बच्चे सफर कर रहे हैं, है ना, वैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैंड्स रेज करेंगे क्वेश्चन उसका जरूर दूर होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिन्होंने हैंड्स रेज किया होगा और उसको मैंने ऑप्शन नहीं दिया होगा कि ठीक है यू कैन आस्क और नॉट आस्क, है ना, ओके, तो कंडक्टर और इंसुलेटर भी समझ गए होंगे, कंडक्टर यस सर, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास इजीली और इंसुलेटर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इट, ओके, और ये कौन से इलेक्ट्रिक करंट, है ना, चार्ज इन मोशन वाले इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हम लोग ड्रायर थे ये चार्ज या टेस्ट वाले में जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इंसुलेटर से ही चार्ज प्रोड्यूस होंगे इंसुलेटर पे ही और कंडक्टर पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे, एम आई राइट, यस सर, तो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स आप समझ गए होंगे और मेटल्स आर जनरली
मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं है ना, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है जी? सर, ग्रेफाइट गुड मेटल है कंडक्टर, कि गुड नॉन मेटल कंडक्टर, है? गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। नहीं पूछा गया, मेटल है कि नॉन मेटल है वो पूछा गया। सर, नॉन मेटल तो सर, लेकिन वह गुड नॉन कंडक्टर है ना जी, है ना? आप पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है, तो एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, है ना? थोड़ा बहुत सर, लेकिन चाहे वह फिर भी सर, एलेक्ट्रिसिटी हो ग्रेफाइट या कैन साइंस कंडक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन होंगे, है ना? ओके, तो आपने समझ में आ गया होगा, क्लियर? यस सर, तो इसमें आपको डू यू नो में भी वही दिया है कि मेटल्स तो काइंड्स ऑफ चार्ज इन नेचर, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। जिस तरह से आपने मैग्नेट में पढ़ा कि लाइक पोल रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, उसी तरह से लाइक चार्जेज पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, लेकिन वहीं अनलाइक चार्ज होगा पॉजिटिव और निगेटिव, तो वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो वो अट्रैक्शन होगा। जो एक्टिविटी 3 में आप ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है ना? एक्टिविटी 3 में ग्लास रॉड लिया गया है, ठीक है, और स्टैंड के थ्रू 2 ग्लास रॉड लिया, 2 एबोनाइट रॉड भी लिया गया है ना? और आप देखते होंगे दोनों एबोनाइट रॉड या दोनों ग्लास रॉड को किस चीज़ों से रब कराया गया? फ्लानेल और सिल्क। एबोनाइट रॉड को फ्लानेल से रब कराया गया और ग्लास रॉड को सिल्क से रब कराया गया, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों एबोनाइट रॉड को अगर रब कराया गया तो जैसे जैसे सेम रॉड है, सेम मटेरियल का और सेम चीज़ों से रब कराया गया फ्लानेल से, तो नज़दीक लाया जाता है तो वो दूर होता जाता है, जो आप पेज नंबर 162 में